गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, दिस इज़ योर इंग्लिश क्लास एंड वी हैव कम्प्लीटेड चैप्टर नंबर 6, दैट वॉज द हॉट स्पून. यस चिल्ड्रन, द चैप्टर वॉज द हॉट स्पून. ओके, सो नाउ इट्स टाइम टू डू द एक्सरसाइज चिल्ड्रन, सो लेट्स स्टार्ट. ओके चिल्ड्रन, आई हैव हियर विद क्वेश्चन आंसर of the hot spoon, chapter number 6. Okay children, so start writing. See the sheet. Okay, write down first the date, that is 12th of June 2020, and how will you write? 12/06/2020, and today is Friday. And you know the spelling of Friday now. So, write down Friday. F-R-I-D-A-Y. Friday. Okay? F-R-I-D-A-Y. Alright? Then the topic. The hot spoon. Okay? The hot spoon. T-H-E. The H-O-T. Hot spoon. S-P-O-O-N. Spoon. And your subject is English. E-N-G-L-I-S-H. English. Okay, children? So, let's start. Question answer. Number one, you have to write, answer the following questions. A-N-S-W-E-R. Answer the following, children. Following. F-O-L-L-O-W-I-N-G, following questions. Q-U-E-S-T-I-O-N-S, questions. इसका मतलब है कि नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें. Okay? So question number one is, where is the moon? Children, question number one is, where is the moon? मून कहाँ है? याद है आपको, वो देख रहा था ना टॉम अपनी खिड़की से, मून कहाँ है? द मून इज इन द स्काई. द मून इज इन द स्काई. ओके चिल्ड्रन, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ वेयर? डब्ल्यू एच ई आर ई, वेयर. सो वेयर इज द मून. एंड After writing the question, you have to mark an exclamation sign, a question sign, okay? So, sorry, not exclamation children, a question mark, okay? And you will write the answer, the moon is in the sky, and after writing the answer, you will put a full stop, okay? You will mark a full stop. By marking full stop, your answer will be complete. जब आप full stop करते हैं, sentence complete होता है. Okay children? So याद रखिएगा, कहीं question पूछा जा रहा है, जैसे यहाँ question पूछा गया ना, where is the moon? Moon कहाँ है? जब आप किसी से question करते हैं, तो वहाँ question mark लगाना होता है. Okay? और जब आप एक सिंपल सेंटेंस, सिंपल मीनिंगफुल सेंटेंस लिख रहे होते हैं, जिसका कोई मतलब निकले, उसको फुल स्टॉप से एंड करते हैं. और स्टार्ट कहाँ से करते हैं बेटा? विद अ कैपिटल लेटर. मैंने बहुत बार देखा है, आप लोग जब लिखते हो, स्टार्ट कर देते हो स्मॉल लेटर से. ऐसा नहीं करना होता है, कैपिटल लेटर से हमेशा स्टार्ट करते हैं. ओके, पहला वर्ड जो है उसका पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, और जहाँ आपका आपकी बात एंड होती है, वहाँ आप एक फुल स्टॉप लगाओगे. ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर बी. व्हाट डज टॉम वांट? टॉम क्या चाहता है? व्हाट डज टॉम वांट? आंसर इज, टॉम वांट्स फूड. टॉम को भूख लगी थी और वो क्या चाहता है? फूड, खाना चाहता है. यस, टॉम वांट्स फूड. एंड द स्पेलिंग ऑफ वांट्स इज W-A-N-T-S, वांट्स फूड. ओके,
Now, come to question number C. Who makes a loop? लूप कौन बनाता है? Who makes a loop? जाले कौन बनाता है? फिर से क्वेश्चन है चिल्ड्रन यहाँ पे. ओके, तो एक क्वेश्चन मार्क के साथ एंड हो रहा है क्वेश्चन. सी, हु मेक्स अ लूप? डब्ल्यू एच ओ हु मेक्स, एम ए के ई एस मेक्स अ लूप, एल डबल ओ पी लूप. एंड द आंसर इज स्पाइडर मेक्स अ लूप. कौन बना रहा था दीवार पे? याद आया, स्पाइडर बना रहा था ना. सो राइट, स्पाइडर मेक्स अ लूप. स्पाइडर बनाता है लूप. एंड व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ स्पाइडर चिल्ड्रन? एस पी आई डी ई आर, स्पाइडर मेक्स, एम ए के ई एस मेक्स अ लूप, एल डबल ओ पी लूप. द स्पेलिंग ऑफ लूप इज एल डबल ओ पी लूप. नाउ क्वेश्चन नंबर डी, फोर्थ क्वेश्चन. Where are the geese? This is the question again. So, ended with a question mark. Where are the geese? W-H-E-R-E. Where are, A-R-E, are the geese? G-E-E-S-E. Geese. Okay. And the answer is The geese are in the pool. Yes na? ये भी देखा था टॉम ने अपने विंडो से. गीज कहाँ पर हैं? पूल में. Yes? Okay children, so this is the question answer. Now come to question number 2. And question number 2 is choose the correct word as per the given text and complete the following sentences. I'm repeating the question children. Choose the correct word as per the given text and complete the following sentences. Means ki ek sentence hai jo incomplete hai, theek hai, aur usme दो वर्ड दिया गया है, उसमें से एक करेक्ट वर्ड है, आप चूज करेंगे और सेंटेंस को कंप्लीट बनाएंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. ए, द रूम इज हॉट और कूल. टॉम का रूम कैसा है? हॉट और कूल. हॉट मीन्स गरम एंड कूल मीन्स ठंडा. तो टॉम का रूम कैसा है? हॉट है कि कूल है? द रूम इज कूल. रिमेंबर चिल्ड्रन, टॉम्स रूम वॉज कूल. सो यू विल मार्क कूल. द रूम इज कूल. सी डबल ओ एल कूल. ओके, नाउ come to question number B. Okay. And second question is Tom lives near the, and the options are school or zoo. Okay. Tom lives near the school, जू. नियर का क्या मतलब होता है चिल्ड्रन? नियर का क्या मतलब होता है? नज़दीक. तो टॉम जू के नज़दीक रहता था कि स्कूल के नज़दीक रहता था? टॉम जू के पास रहता था. सो द आंसर विल बी जू. व्हाट विल यू राइट? टॉम लिव्स नियर द जू. ओके, टॉम लिव्स near the zoo. Okay children, second is also completed. Now come to third one. The food is on the table or stool. Where was the food? Food kahan rakha tha?
और फूड गर्म था, टॉम ने उसको टच किया था तो उसके हाथ से फूड छूट गया था, isn't it? तो कहाँ था वो? द फूड इज ऑन द, कहाँ पे फूड रखा हुआ है? द फूड इज ऑन द टेबल, सो यू विल मार्क टेबल. ओके चिल्ड्रन, द फूड इज ऑन द टेबल एंड वॉट इज द स्पेलिंग ऑफ टेबल? टी ए बी एल ई, टेबल. ओके, ऑल राइट चिल्ड्रन, नाउ द लास्ट वन, ओनली वन लेफ्ट, डी. द स्पून इज हॉट और कोल्ड? कैसा स्पून, कैसा है, गर्म है कि ठंडा है? आप चैप्टर पढ़े हैं ना, ओके, याद तो होगा, स्पून ठंडा है कि गर्म है? द स्पून इज हॉट, ओके, द स्पून इज हॉट. ठीक है, याद आ गया, स्पून जो है वो गर्म है और टॉम उसको छुएगा तो उसके हाथ से खाने की बाउल छूट जाएगी, इज इट इट, याद आया ना? ओके, सो दैट द स्पून इज हॉट. ओके, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, द रूम इज ए, द रूम इज स्कूल. बी, टॉम लिव्स नियर द जू, टॉम लिव्स नियर द जू. सी, द फूड इज ऑन द टेबल, द फूड इज ऑन द टेबल. एंड डी, द स्पून इज हॉट, द स्पून इज हॉट. ओके, सो वी हैव डन द एक्सरसाइज, यस चिल्ड्रन. ओके, सो राइट एज आई हैव इंस्ट्रक्टेड यू, यू कैन सी द आंसर्स ऑन द शीट. ओके, जस्ट राइट डाउन इन योर कॉपी, सी एंड राइट वेरी वेरी केयरफुली चिल्ड्रन, ताकि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो. ओके, एंड ट्राई टू राइट वेरी नीटली, ओके, बहुत नीट लिखिए, सो दैट आपकी राइटिंग भी अच्छी हो जाएगी. ओके, सो शार्प योर पेंसिल, डोंट राइट विद ब्लंट पेंसिल, ब्लंट पेंसिल से मत लिखिएगा, शार्प कर लीजिए पेंसिल बेटा. और डोंट फॉरगेट टू राइट डेट एंड डे, ओके, ये दोनों मत भूलिएगा लिखना. और आप नीट राइटिंग में बिल्कुल साफ सुथरा काम करके मुझे भेज दीजिए, सो दैट आई कैन करेक्ट योर कॉपी. ओके चिल्ड्रन, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. ओके, इन नेक्स्ट क्लास आई थिंक देर इज एस एच साउंड वर्ड इज देयर, लेट मी फाइंड इट, अगर यही है एस एच साउंड वर्ड है तो उसको भी करा दूंगी. ओके, ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही चिल्ड्रन, ठीक है, इसको कर लीजिए आप अच्छी राइटिंग में. और अगर कोई स्पेलिंग ऐसा हो नहीं समझ में आए तो यू कैन आस्क टू मी, ओके, मुझसे पूछ लीजिए. और अगर पेरेंट से भी पूछ सकते हैं, यू कैन आस्क फ्रॉम योर पेरेंट ऑल्सो. ऑल राइट, सो राइट डाउन एंड सेंड इट. ओके चिल्ड्रन, थैंक यू. वन मोर थिंग चिल्ड्रन, आई हैव अ नोटिस फॉर यू, लिसन बेटे, मैथ्स क्लास जो है वो लाइव ही बेटर है, यस ना, जब हम लोग गूगल मीट करते हैं और उस पर लाइव पढ़ाई होती है मैथ्स, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, isn't it? नंबर लाइन कितना ईजी हुआ लाइव पढ़ना, है ना, आप ईजिली समझ गए. सो दैट बेटा, लेकिन एक प्रॉब्लम है, देर इज़ अ प्रॉब्लम, बहुत कम बच्चे जो हैं वो ही आते हैं, ज्वाइन करते हैं मीटिंग को. देखिए बेटे, प्रॉब्लम्स तो है ही, सबके साथ प्रॉब्लम होती है, यस, तो आप प्रॉब्लम से हमें लड़ना चाहिए ना. अगर फ़ोन का इशू है, आप कोशिश करिए कि उसका कोई सोल्यूशन निकालिए बेटा, या अगर आप नहीं उठते हैं उतना अर्ली तो उठने की कोशिश कीजिए. मैंने आपको कहा था अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, तो आपको ध्यान रखना चाहिए. आप थोड़ा सुबह उठिए,
ओके इसलिए मैंने 8:30 का टाइम रखा है कि वो टाइम पे आपके पेरेंट घर पे होते हैं, फ़ोन तो इजीली अवेलेबल होता है। और अब कुछ मम्मियाँ कहती हैं कि हमें काम होता है, तो बेटा ये तो अच्छी बात नहीं है ना, पहले तो पढ़ाई है। यस, सो दैट आप में से काफ़ी कम बच्चे हैं, जो भी बच्चे हैं वो रेगुलर हैं, जो आते हैं एकदम रेगुलरली आते हैं, बट सिर्फ 20-25 बच्चे आते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। मैथ्स को लाइव क्लास करना ही बेटर है हमारे लिए, सो दैट आप कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा लोग, बेटा कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कि इसको ज्वाइन कीजिए। ओके आप ज़्यादा क्लियरली समझ पाओगे। ओके जब हम इंटरैक्ट करते हैं तो आप आपकी जो क्वेरी होती है वो आप भी तो पूछ लेते हो ना, और सेटिस्फाई कर लेते हो अपनी क्वेरी को। सो दैट प्लीज़ ट्राई कीजिए कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो ज्वाइन कर सके गूगल मीट को। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ फॉर यू, ये आपके लिए बेटा, यस ना। सो प्लीज़ इसका फ़ायदा उठाइए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ट्राई करिए कि इसको ज्वाइन कर सकें। ओके चिल्ड्रन, तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में होपफुली मैं देखूँ कि 25 से ज़्यादा बच्चे आएंगे। ओके कोशिश कीजिए ज्वाइन करने की। ओके